हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ बताऊंगी। शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ छोटी छोटी ब्रेड शेप में होती हैं और वो बहुत ही टेस्टी होती हैं खाने में। इसके लिए मुझे चाहिए 100 ग्राम बटर, 1/3 शुगर, मैंने पिसी शुगर ली है, और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसे अच्छे से मैं इसके साथ शुगर और बटर को अच्छे से हम मिला देंगे, और इसे हमें तब तक मिलाएंगे जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाए। बटर और शुगर को अच्छी तरह से मिलाने का ये मतलब होता है कि हमें इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बटर और शुगर को अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स। कॉर्न फ्लावर 1 चम्मच, मैदा 1 बड़ा कप, और इन सबको मैं मिला लेती हूँ और एक डो रेडी कर लेती हूँ। मैं हाथ का यूज़ करूँगी और एक डो रेडी करूँगी। हमारा डो रेडी है। अब मैं इसे, मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और इसको मैं हल्के हाथों से धीमे धीमे फैला लूँगी। आप चाहें तो इसको आप बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे फैलाऊँगी। मैंने इसे फैला लिया है। अब मैं एक नाइफ़ लूँगी और जिससे मैं इसको कट करूँगी। इसके साइड के एजेस निकाल दिए हैं, अब मैं इसे कट करती हूँ। कट कर दिया है। अब मैं एक फोक लेती हूँ और इसको मैं इसमें इस तरह से इसको होल्स कर देते हैं। मैंने इसके होल कर दिए हैं, छोटे 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 होल कर दिए हैं पूरी ब्रेड में। मैंने माइक्रोवेव को 160 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। हम इसे 30 से 35 मिनट तक इसे बेक होने के लिए रख देंगे। मैं इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देती हूँ। हमारे 35 मिनट हो गए हैं, हमारी कुकीज़ रेडी हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।